शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना में वर्जित काम। भक्तों, हम सब लोग पूजा तो हर रोज करते हैं। भक्तों, अगर हम सही विधि से पूजा करें तो हमारी पूजा का फल 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि हमको क्या काम करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी पूजा में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही हमारी पूजा बहुत जल्दी सफल हो जाती है और हमको की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। आइए जाने कुछ विशेष जानकारी। 1. गणेश जी को तुलसी न चढ़ाएं। 2. देवी पर दुर्वा न चढ़ाएं। 3. शिव लिंग पर केतकी फूल न चढ़ाएं। 4. विष्णु को तिलक में अक्षत न चढ़ाएं। 5. दो शंख एक समान पूजा घर में न रखें। 6. मंदिर में 3 गणेश मूर्ति न रखें। 7. तुलसी पत्र चबाकर न खाएं। 8. द्वार पर जूते चप्पल उल्टे न रखें। 9. दर्शन करके वापस लौटते समय घंटा न बजाएं। 10. एक हाथ से आरती नहीं लेना चाहिए। 11. ब्राह्मण को बिना आसन बिठाना नहीं चाहिए। 12. स्त्री द्वारा दंडवत प्रणाम वर्जित है। 13. बिना दक्षिणा ज्योतिषी से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। 14. घर में पूजा करने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग न रखें। 15. तुलसी पेड़ में शिवलिंग किसी भी स्थान पर न हो। 16. गर्भवती महिला को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना है। 17. स्त्री द्वारा मंदिर में नारियल नहीं फोना है। 18. रजस्वला स्त्री का मंदिर प्रवेश वर्जित है। 19. परिवार में सूतक हो तो पूजा प्रतिमा स्पर्श न करें। 20. शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं किया जाता। 21. शिव लिंग से बहते जल को लांघना नहीं चाहिए। 22. एक हाथ से प्रणाम न करें। 23. दूसरे के दीपक में अपना दीपक जलाना नहीं चाहिए। 24.1. चरणामृत लेते समय दाएं हाथ के नीचे एक नैपकिन रखें ताकि एक बूंद भी नीचे न गिरे। 24.2. चरणामृत पीकर हाथों को शिर या शिखा पर न पोछें, बल्कि आँखों पर लगाएं। शिखा पर गायत्री का निवास होता है, उसे अपवित्र न करें। 25. देवताओं को लोभान या लोभान की अगरबत्ती का धूप न करें। 26. स्त्री द्वारा हनुमान जी शनिदेव को स्पर्श वर्जित है। 27. सवारी कन्याओं से पैर पड़वाना पाप है। 28. मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग दे। 29. मंदिर में भीड़ होने पर लाइन पर लगे हुए भगवान नामोच्चारण करते रहें एवं अपने क्रम से ही अग्रसर होते रहें। 30. शराबी का भैरव के अलावा अन्य मंदिर प्रवेश वर्जित है। 31. मंदिर में प्रवेश के समय पहले दाहिना पैर और निकास के समय बायां पांव रखना चाहिए। 32. घंटी को इतनी जोर से न बजाएं कि उससे कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो। 34. हो सके तो मंदिर जाने के लिए एक जोड़ी वस्त्र अलग ही रखें। 35. मंदिर अगर ज्यादा दूर नहीं है तो बिना जूते चप्पल के ही पैदल जाना चाहिए। 36. मंदिर में भगवान के दर्शन खुले नेत्रों से करें और मंदिर से खड़े खड़े वापस नहीं हों। 2 मिनट बैठकर भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन लाभ लें। 37. आरती लेने अथवा दीपक का स्पर्श करने के बाद हस्त प्रक्षालन अवश्य करें। ये सभी बताई गई बातें हमारे ऋषि मुनियों से परंपरागत रूप से प्राप्त हुई है। अगर हम इस विधि से पूजा करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और निश्चित ही हमारी पूजा सफल हो जाती है। भक्तों, अगर आप लोगों को हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट की होती है तो कृपा करके हमारे हनु एसजी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।